नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं साउंड फॉन्ट्स। साउंड फॉन्ट्स क्या होते हैं उसको समझने के लिए कुछ इस तरह से समझते हैं कि जब भी हम कोई चीज़ टाइप करते हैं, कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं वर्ड में या एक्सेल में, तो जो हम लाइन टाइप करते हैं वो तो बेसिक लाइन होती है, जो बेसिक टेक्स्ट होता है। उस बेसिक टेक्स्ट का हम फॉन्ट चेंज करके उसकी फील को चेंज कर देते हैं, ठीक है। उसी तरह हम जब भी किसी ट्यून को प्ले करते हैं, उस ट्यून को प्ले करने पर उसमें अगर हमको फील चेंज करना है तो हम उसके इंस्ट्रूमेंट्स या कुछ साउंड चेंज करने की कोशिश करते हैं जिससे उसका फील चेंज हो जाए। वो अभी आप धीरे समझ जाएंगे कि हम किस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। साउंड फॉन्ट्स एक तरह की फाइल्स होती हैं जो SF2 फाइल्स होती हैं, ठीक है। उस SF2 फाइल्स को प्ले करने के लिए हमारे LMMS में एक SF2 प्लेयर होता है। SF2 प्लेयर होता है साउंड फॉन्ट्स को प्ले करने के लिए। अब ये SF2 प्लेयर होता कहाँ पर है, आइए देखते हैं। हम जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर में और यहाँ पर देखते हैं एक बटन है जिस पे लिखा इंस्ट्रूमेंट प्लगइन्स। हम इस इंस्ट्रूमेंट प्लगइन्स को क्लिक करेंगे तो एक इंस्ट्रूमेंट प्लगइन की लिस्ट आ जाती है जिसमें सबसे ऊपर आप देख रहे हैं ऑडियो फाइल प्रोसेसर है। इसी में जब आप धीरे धीरे करके नीचे उतर के आएंगे तो आप देखेंगे एक जगह पर लिखा हुआ है SF2 प्लेयर, प्लेयर फॉर साउंड फॉन्ट फाइल्स। इसको हम यहां से अपने सॉन्ग एडिटर में ले लेते हैं, ठीक। अब जब हम यहां पर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि सपोज करिए कि यहां पर हमने कोई चीज ड्रॉ कर दी तो ये कैसे बजेगी, देखिए, ठीक है। ये हमने यहां ड्रॉ कर दी, अब यहां प्ले करेंगे तो क्या होगा, अभी कुछ भी नहीं बज रहा है। क्यों नहीं बज रहा है? क्योंकि ये जो SF2 प्लेयर है ये समय ब्लैंक है, एम्प्टी है, खाली है। तो इसमें हम लगाएंगे क्या, हम इसमें लगाना है हमें SF2 फाइल। अब सवाल ये कि SF2 फाइल मिलेगी कहाँ। SF2 फाइल इंटरनेट पे बिखरी पड़ी है, जो पसंद हो उठा लीजिए और यहाँ लगा दीजिए। कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप एक वेबसाइट है उस पर आप जाएंगे, जो गूगल की वेबसाइट है उस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे साउंड फॉन्ट्स मिलेंगे, ठीक है। उस वेबसाइट पे जाएंगे कैसे, उस वेबसाइट पे आप जाएंगे, गूगल में जाइए, सर्च करिए SF2 फाइल्स डाउनलोड। जब आप सर्च करेंगे तो उसमें बहुत सारे वेबसाइट्स के एड्रेस आ जाएंगे। आप उसमें ढूंढिएगा गूगल का कौन सा है। जब आप गूगल का ढूंढेंगे तो आपको ये वेबसाइट आपको सामने मिलेगी। इस वेबसाइट पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है फ्री क्वालिटी साउंड फॉन्ट्स SF2, ठीक। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, तमाम ये साउंड डेमोज देखी हैं, यहाँ साउंड इंस्ट्रूमेंट सेट्स दिए हुए हैं, SF2 फाइल्स हैं, ये सारी SF2 फाइल्स हैं, सब कुछ है। देखिए आप हर तरह का जो आपको पसंद हो सुनिएगा, जो आपको पसंद हो उसका इस्तेमाल कीजिए, ठीक। इसमें से मैं भी एक डाउनलोड कर लेता हूँ और एक जगह पर सेव कर लेता हूँ उसको, ठीक है। मान लिया हमने कुछ एसेंशियल कीज़ ये हमने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के लिए क्या करेंगे, इसी पर क्लिक कर देते हैं। सपोज करिए ये है, यहाँ पर क्लिक किया हमने। अब ये क्लिक करने पर एक दूसरे पेज पर चला आता है जहाँ पर लिखा हुआ है एसेंशियल कीज SFZ बैंक्स। ये जिप फाइल है, देखिए कैन नॉट प्रीव्यू, मतलब इस फाइल का प्रीव्यू नहीं दिखा सकता, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट, डाउनलोड कर लीजिए, सिंपल। अब हमने ये फाइल डाउनलोड करके यहाँ पर सेव कर ली। अब हम क्या करेंगे कि SF2 प्लेयर का जो सेटिंग है वो खोलते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर देखिए आप SF2 फाइल का सेटिंग खुल गई। अब इसमें यहाँ नीचे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फाइल और पैच, ये दो चीज़ें हैं। फाइल जो आपके पास डाउनलोड की आपने वो है, और पैच उस फाइल के अंदर जो कुछ होगा वो पैच में दिखाई पड़ेगा, ठीक। करके देखते हैं, यहाँ पर हमने किया ओपन अदर साउंड फॉन्ट फाइल्स, क्लिक किया। अब जहाँ हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है वहाँ से हम इसको, ये रही यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर ओपन करते हैं। जब हम इसको यहाँ पर ओपन करते हैं तो आप देखने के यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा आपको एसेंशियल कीज़ जो आपका फाइल है। अब उस फाइल के अंदर ये पैच है, पैच पर क्लिक करके देखते हैं पैच में क्या है।
ये देखिए, पैच में ये इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनमें से आप कुछ भी बजा सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम ग्रैंड पियानो को ही ले लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं। अब हम देखते हैं बजा कर कि क्या बजता है, ठीक। फिर हम जाते हैं पैच में अगेन और इसको कुछ चेंज करते हैं, कुछ भी चेंज करते हैं। स्मॉल पाइप ऑर्गन देखते हैं कैसा बजता है। ठीक है, तो बेसिक पर्पस जो साउंड फोन का ये है कि आप कुछ भी बजा रहे हैं, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करना चाहते हैं तो आप इस साउंड फोन के थ्रू आप उस इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर सकते हैं अपने गाने के अंदर। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वीडियो हमने साउंड फोन पर बना लिया ताकि आप लोगों को किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।